तो जैसे कि एलविस यादव बिग बॉस जीतने के बाद मनीषा रानी से बात नहीं करी थी, इस वजह से लोगों को लग रहा था एलविस यादव में एटीट्यूड आ गया है। बट अभी रिसेंटली उन लोगों में एलविस यादव ने मनीषा रानी से बात करी और मनीषा रानी मजाक मजाक में क्या कुछ बोल रही थी आप खुद देख सकते हो। भाई तेरा तो गलत टाइम पे फोन आता हर बार। क्या बोले, गलत टाइम पे क्यों कॉल आता है? अरे मैं नहाने जा रहा था यार। एकदम परफेक्ट टाइम पे कॉल आया है। और बताया व्हाट्सअप, इतने टाइम बाद तेरे से बात हुई बिग बॉस के बाद। हाउ आर यू? ओह माय गॉड, आप तो मुझे भूल ही गए यार, ऐसा कौन करता है। नहीं यार, उस दिन मैंने मैसेज करे थे तेरे को, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रख मैंने करी। 24 का मनीषा रानी सेम एलविस यादव को प्यार करती है जैसे बिग बॉस हाउस में करती थी वैसे? क्या आपको क्या लगता है, कमेंट करो।